नेशनल हाईवे 8 पर सिहार तालाब के सामने हुई दुर्घटना में एक की हुई मौत। खड़े डंपर में पीछे से टकराई अनियंत्रित मोटरसाइकिल। नाथद्वारा नगर के सिहार तालाब के सामने नेशनल हाईवे 8 पर गुरुवार अल सुबह हुई दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। नाथद्वारा पुलिस के अनुसार नाथवास निवासी जुगल किशोर मीणा अल सुबह 3:30 बजे के करीब लालबाग की ओर से नाथद्वारा की तरफ आ रहा था, तभी सिहार तालाब के सामने नेशनल हाईवे पर बाइक अनियंत्रित होकर वहां पंचर हो जाने से साइड में खड़े डंपर में जा घुसी, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद लोगों ने बाइक सवार को नाथद्वारा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया। वहीं हाईवे पर पड़ी मोटरसाइकिल व डंपर को अपने कब्जे में लेकर थाने पर रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया व परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। गांधी रोड स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में विभाग व हर्बल केयर संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया रक्त मोशन व अग्निकर्म शिविर। नाथद्वारा नगर के गांधी रोड स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन में आयुर्वेदिक विभाग व हर्बल केयर रिसर्च संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क रक्त मोशन व अग्निकर्म शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व आयुर्वेदिक जिलाधिकारी हरीश गहलोत व ब्लॉक प्रभारी ललित सैनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में डॉक्टर दिव्य प्रकाश स्वर्णकार, डॉक्टर गीतांजलि व डॉक्टर राजेंद्र जांगीर द्वारा 90 रोगियों को निःशुल्क परामर्श व दवाइयाँ देकर लाभान्वित किया गया। वहीं 7 वेरिकोज वेन से संबंधित मरीजों का रक्त मोशन व 2 मरीजों का अग्निकर्म विधि से उपचार किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर जांगीर ने बताया कि साइटिका, कमर दर्द, घुटनों के दर्द व वेरिकोज वेन आदि समस्याओं में रक्त मोशन व एड़ी के दर्द का इलाज अग्निकर्म विधि द्वारा किए जाने से रोग को जड़ से खत्म करने में मदद मिलती है और रोग की पुनरावृत्ति नहीं होती। शिविर में हर्बल केयर संस्थान के पंकज जैन, नर्सिंग स्टाफ देवीलाल माली, कंपाउंडर छैल कंवर, निर्मल गुर्जर, जितेंद्र बसंत, परिचारक यशोदा मेगा द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई। नाथद्वारा के एलिवेटेड पुल से सिंहार तालाब में गिरे युवक को 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में रात को शराब के नशे में एक हाईवे किनारे स्थित एलिवेटेड पुलिया से एक युवक सिंहार तालाब में जा गिरा, जिसे पुलिस और नगरपालिका के जवानों ने 2 घंटे के प्रयास के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बताया कि रात करीब 9 बजे कुछ युवकों ने एक व्यक्ति को पुलिया से तालाब में गिरते हुए देखा। इसकी सूचना नाथद्वारा थाने में दी गई। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और टॉर्च की सहायता से देखने पर युवक तालाब में दिखाई दिया। इस पर नगरपालिका की दमकल को मौके पर बुलाया और कुछ जवान भी मौके पर पहुंच गए और उसके बाद करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद रेस्क्यू कर उस युवक को बाहर निकाला गया। इस दौरान फायरमैन चंदू व होमगार्ड भागीरथ सिंह ने नीचे उतरकर बड़ी मेहनत व सावधानी पूर्वक युवक को तालाब से बाहर निकाल दिया और उसके बाद उसे फिलहाल अस्पताल पहुँचाया गया। युवक ने अपना नाम लक्ष्मण सिंह व पता गुंजोल बताया है। हालांकि नशे की हालत में होने की वजह से युवक ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ASI अम्बालाल, बलदेव, राधे, संदीप व नगरपालिका के वरिष्ठ सहायक योगेश शर्मा, फायरमैन विजेश गहलोत, चंदू, चेतन मीणा, चुन्नीलाल, संदीप सहित कई लोग मौजूद थे। पुलिस विभाग से फोन आया था कि अभी सिहार तालाब के अंदर कोई आदमी घुस गया है। सूचना प्राप्ति के बाद मेरे द्वारा फायरमैन विजेश को सूचित किया गया। विजेश और उनकी टीम के द्वारा, चंदू और मोंटू भाई के द्वारा आज जो यहाँ सिहार तालाब के अंदर जो व्यक्ति पता नहीं नशे में था, क्या था, किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, वो अर्धनग्न अवस्था के अंदर तालाब में घुस गया था। पालिका की फायर टीम द्वारा सूचना प्राप्ति के पश्चात मौके पर पहुँच कर अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ में उस बंदे को बचाया गया। चारभुजा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9 बैग डे पर हुई विविध प्रतियोगिताएं। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारभुजा में 9 बैग डे पर शनिवार को विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पोस्टर व निबंध प्रतियोगिता के साथ खेलकूद स्पर्धाएं हुई। संस्था प्रधान नरेश कुमार ने बताया कि स्कूल में योग, व्यायाम, वाद विवाद, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। स्काउट शेर सिंह सैनी के सानिध्य में पर्यावरण व जल संरक्षण पर पोस्टर प्रतियोगिता हुई, जिसमें निर्मला मीणा प्रथम, गोरी दवे,
खुशी जैन व रिया सेन द्वितीय रहे, जबकि नंदिनी आरती माही व दिव्या तृतीय रहे। फिर जामुन आम गुलमोहर के पौधे भी रोपे गए। इस दौरान हरमिंदर सिंह, कालूदान सिंह, मदन लाल, कचना राम, रामहंस मीणा, मंजू, ज्योति शर्मा आदि मौजूद थे। गवार क्षेत्र के रिसोर्ट में एल्बम की शूटिंग, कई दृश्य फिल्माए। ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग के साथ हरितिमा से आच्छादित अरावली की पहाड़ियों के बीच एक एल्बम के गाने के लिए कई दृश्य फिल्माए गए। एल्बम के डायरेक्टर नरपत सिंह राणावत ने बताया कि बॉलीवुड अदाकारा मुमताज के बेटे रुसलान मुमताज और एक्टर सिद्धि सोनी को इस शूट में कास्ट किया गया। इसको लेकर कुंभलगढ़ क्षेत्र के गवार, तिकी माता मंदिर सहित आसपास के रिसोर्ट व पहाड़ियों पर कई तरह के दृश्य फिल्माए गए। कुंभलगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के लोकेशन पर भी देहाती परिवेश के बीच भी फिल्मांकन किया गया। शूटिंग के दौरान सिंगर कुणाल सचदेवा, सिंगर आकाश शर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर राजेश अतिबल, कंपोजर दीपक नूर, कैमरामैन राजेश यादव, प्रोड्यूसर अर्जुन सिंह सोलंकी आदि मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पहाड़ियों पर बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। सुखार के आमज माता मंदिर में चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। चारबुजा थाना प्रभारी भवानी शंकर ने बताया कि सुखार स्थित आमज माता मंदिर के ताले तोड़कर दान पात्र उखाड़ ले जाने के मामले में चारबुजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि 18 जुलाई को मंदिर में चोरी हो गई घटना के बाद थाना प्रभारी भवानी शंकर के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पाली जिले के लापोत तखतगढ़ निवासी अंकित दास पुत्र राजू दास और भाणा राम पुत्र मिश्री लाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही से आभूषण व नकद राशि बरामद कर ली। पुलिस 38,716 रुपये जब्त किए। दोनों आरोपी मुंबई में कार्य करते हैं, जो 5 दिन पहले ही मुंबई से फालना आए और रुपये की जरूरत होने पर सादड़ी देसूरी क्षेत्र में मंदिरों की रेकी की। इस बीच सुखार के जंगल में स्थित आमज माता मंदिर में चोरी की साजिश रची और रात को वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आरोपी मानवतों का गुड़ा में पुलिस नाकाबंदी देकर आरोपी भागने लगे तो पुलिस ने दबोच लिया। अब कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक नरेश कुमार शर्मा और थाना प्रभारी भवानी शंकर द्वारा आरोपियों से चोरी को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों में भी आरोपियों का हाथ हो सकता है। इसके तहत घनता से तहकीकात की जा रही है। सियाणा गौशाला में नंबर 1 यारी ग्रुप ने गायों को खिलाया रिजगा व 110 किलो गुड़। आमेर शहर के नंबर 1 यारी ग्रुप द्वारा सियाणा स्थित गौशाला में गायों को रिजगा व 110 किलो गुड़ खिलाया गया। नगर पालिका आमेर के पार्षद मांगीलाल रेबारी के नेतृत्व में युवा की टोली सियाणा गौशाला पहुंची, जहां युवाओं द्वारा गायों को रिजगा व गुड़ खिलाया गया, साथ ही गौ संरक्षण संवर्धन का संकल्प लिया। युवाओं की टीम ने समाज हित के कार्य में हमेशा अग्रणी रहने पर भी चर्चा की, साथ ही गौशाला में सेवा कार्य के लिए हमेशा तैयार रहने की भी बात कही गई। इस दौरान ग्रुप सदस्य विपुल दक्ष, सौरभ पालीवाल, कमसा जैन, राजेश मुकेश टेलर, संपत दास, मुरली दादीज, जगसा ढाणी, पिंटू भाई, तन्नू सुधार, सूरज देवपुरा, सुनील सेन, मुक्सा मुंबई, पहलाद, मनसा अशूल, उमेश पालीवाल, पंकज मेवाड़ा, कांजी डॉक्टर आदि मौजूद थे। आमेट नाथद्वारा के स्कूलों में जरूरतमंद छात्रों को शिक्षण सामग्री के किट किए वितरित। बेरवा सेवा संस्थान रासमंद द्वारा आमेट नाथद्वारा व रासमंद तहसील क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जरूरतमंद समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री के किट वितरित किए गए। संस्थान अध्यक्ष रामचंद्र बेरवा ने बताया कि पेंसिल, पेन, कॉपी, बैग, ज्योमेट्री बॉक्स व अन्य सहायक सामग्री शामिल है। देलवाड़ा के करौली में नारायण बेरवा के सानिध्य में 3 छात्रों को किट दिए, जबकि पानड़ी में बंशीलाल बेरवा के सानिध्य में 3 किट वितरित किए। सथाना भिलवाड़ा के बोराना में मांगीलाल व लादूलाल के सानिध्य में 1 किट, मोखमपुरा में विधवा डालीबाई के 4 बच्चों को किट दिया गया। लक्ष्मीपुरा सहाड़ा भिलवाड़ा में 4, जेतपुरा में 4, अमरतिया आमेट में 1 किट दिया गया। उपाध्यक्ष शोभा लाल बेरवा ने कुरीति मुक्त समाज निर्माण का आह्वान किया। इस दौरान सचिव नारायण बेरवा, शंकर बेरवा, देवीलाल बेरवा, अंबालाल बेरवा, प्रकाश चंद बेरवा,
भेरूलाल बेरवा, राजूलाल बेरवा, दुर्गेश बेरवा, माधवलाल बेरवा, कैलाश चंद्र बेरवा, डिंपल बेरवा, मांगीलाल बेरवा आदि का खास सहयोग रहा। अध्यक्ष रामचंद्र बेरवा ने कहा कि समाज के कोई भी जरूरतमंद बच्चा है तो वह संस्थान से संपर्क करें, उसकी हर संभव मदद व सहयोग किया जाएगा। अध्यक्ष रामचंद्र ने समाज के लोगों को सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान किया। आमेठ में बाइक चोरी के सातिर आरोपी पुलिस रिमांड पर, पुलिस ने बरामद की 7 बाइक। राजसमंद जिले के आमेठ थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश हुए। एएसआई जय सिंह ने बताया कि 15 जुलाई को बाणिया टुकड़ा निवासी बाबू सिंह ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बाइक चोरी हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जवारिया निवासी भावेश जोशी व कनावदा निवासी दिनेश उर्फ टीनू सालवी को चोरी की बाइक बेचने के लिए घूम रहे थे। इस पर पुलिस ने आसन चौराहे पर नाकाबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया और बाइक के दस्तावेज मांगे तो दस्तावेज नहीं बता पाए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो आरोपियों ने बाइक चोरी की होना कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर अन्य चोरियों के बारे में भी गहन पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा 7 मोटरसाइकिलें आरोपियों की निशानदेही से बरामद कर ली और अन्य चोरियों को लेकर भी गहन पूछताछ जारी है। अब जानते हैं एएसआई जय सिंह का क्या कुछ कहना है। तो प्रार्थी बाबू सिंह ने रिपोर्ट दी और मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी जो चोरी करके ले गया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया। दौरान अनुसंधान मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध भावेश जोशी व दिनेश आलवी को गिरफ्तार कर डिटेन कर पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ मामले आजा का मशहूर का मोटरसाइकिल बरामद की गई। उस दौरान पीसी रिमांड लेकर पुनः पूछताछ की गई तो इसकी कब्जे से 6 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की गई है जो अलग अलग स्थानों से उन्होंने चोरी की। मोंटेसरी स्मार्ट स्कूल में रेनी डे का आयोजन। आमेठ स्थित स्मार्ट मोंटेसरी स्कूल में शैक्षिक गतिविधियों के तहत शनिवार को रेनी डे का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने बारिश की फुहारों का आनंद लेते हुए डांस किया। संस्था प्रधान द्वारा इसने बारिश के बारे में बताया गया। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर पूजा पालीवाल, लाजवंती परिहार, सुनीता बागवान, पायल चौहान, सारिका वैष्णव सहित कई छात्र मौजूद थे।